नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मरुद्रा जर्नी के अंदर। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है वो तेजा जी का मंदिर हरसौर के अंदर काफ़ी भव्य मंदिर बना हुआ है, वो आज इस वीडियो के अंदर डिटेल से हम आपको दिखाने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो हरसौर के अंदर तेजा जी का मंदिर बना हुआ है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और दोस्तों, वहाँ पर अभी हम चलेंगे और वहाँ का जो व्यू है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और दोस्तों, जो यहाँ की अच्छी बातें हैं और कुछ नॉलेजफुल बातें हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इस मंदिर का निर्माण कब किया गया वो भी हम बताएंगे। और दोस्तों, मंदिर परिसर में चलेंगे और वहाँ पर अगर हमें पुजारी मिलता है तो उनसे इस मंदिर के बारे में जो खास बातें हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कब यहाँ पर मेला भरता है और कब दोस्तों यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हरसौर जो मंदिर है उस परिसर के अंदर अभी हम आ चुके हैं और यहाँ का जो व्यू है दोस्तों काफ़ी अल्टीमेट है। और पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ यहाँ के ट्रस्ट के अनुसार दोस्तों काफ़ी अच्छी अच्छी जो चीज़ें बनाई गई हैं और धर्मशाला बनाई गई हैं। और पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, जो मंदिर है तेजा जी का काफ़ी भव्य मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर के अंदर अभी हम चलेंगे और मंदिर के अंदर का व्यू जो है वो आपको हम दिखाएँगे। दोस्तों, अभी हम मंदिर परिसर के अंदर चल रहे हैं, वीर श्रोमणी तेजाजी महाराज के दर्शन कराएंगे यहाँ पर आपको। और अंदर का जो व्यू है दोस्तों काफ़ी अल्टीमेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीर तेजाजी की जो प्रतिमा है वो भाले के साथ में सर्प डसता हुआ आप देख सकते हैं, काफ़ी मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। और अंदर से जो तेजाजी का मंदिर है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। चारों तरफ एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। और तीन गेट यहाँ पर बनाए गए हैं इस मंदिर के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो एलईडी लाइट्स हैं काफ़ी सुंदर लग रही हैं और काफ़ी अच्छी लग रही हैं। यहाँ पर एक गेट और आपको दिखाएंगे जो कि आप सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको जो मंदिर परिसर को चारों तरफ से दिखाएँगे कि किस प्रकार से जो मंदिर परिसर है वो बना हुआ है। और दोस्तों, जो मंदिर है वो काफ़ी भव्य मंदिर बना हुआ है, काफ़ी टाइम लगा इस मंदिर को बनाने के लिए। तो इस मंदिर का जो चारों तरफ का परिसर है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों मंदिर के पीछे के साइड का व्यू है जो कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी नक्काशीदार डिजाइंस बनाई गई हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। सामने पत्थर का बेजोड़ नमूना है और किस प्रकार से दोस्तों इस मंदिर को तराशा गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं जो कि आप सामने देख रहे हैं, वो है धर्मशाला। और सामने आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है बैठने के लिए यहाँ पर। और इस तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगभग प्रोग्राम है कल का। और जो मेला है वो कब भरेगा वो भी हम आपको बताएँगे आगे, इस वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस, चलते हैं और आगे का जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपने हरसौर का तेजा जी का मंदिर देखा जो कि दोस्तों काफ़ी भव्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर कल का एक भव्य प्रोग्राम बनाया गया है, मेला है दोस्तों। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो समय समय पर हमारे चैनल पर मिलती रहती है। धन्यवाद।